किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होना एक अनफोर्सीन इवेंट है, और ऐसे हादसे कब किसके साथ हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। अब इनसे बचना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर इन्हें ठीक ढंग से रिपेयर करना जरूर हमारे हाथ में। आज हमारी वर्कशॉप में आई है 2018 की सुजुकी स्विफ्ट, और एक एक्सीडेंट हो जाने की वजह से इसका पूरा राइट साइड का फ्रंट एंड इंक्लूडिंग फेंडर, बंपर, बॉनेट एंड हेडलाइट डैमेज हो चुका है, और इसे हम करने वाले हैं रिपेयर। तो चलिए इस गाड़ी का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है परीक्षित एंड वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ वो एक स्कूल बस से हुआ, जो कि इस गाड़ी के बिफोर फुटेज में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फेंडर पे पूरा येलो कलर लगा हुआ है। अब क्लाइंट ने अपनी तरफ से गाड़ी को स्टेयर करके एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश जरूर की, पर फिर भी गाड़ी जो है वो डैश हो गई। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के एक्सीडेंट में कोई भी इंजर नहीं हुआ, बट क्योंकि गाड़ी को नुकसान हुआ तो क्लाइंट ने डिसाइड किया कि वो हमारे पास आके इस गाड़ी को रिपेयर कराएंगे, और वो अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर दूर से हमारे पास लेके आए। जब ये क्लाइंट हमारे पास आए तो सबसे पहले वो अपनी गाड़ी पे सिर्फ ये डैमेज रिपेयर कराना चाहते थे, बट जब हमने गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट किया और हमने उन्हें बताया कि ऑलमोस्ट सभी पैनल पर छोटे छोटे डेंट्स हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना गाड़ी को पूरा नया जैसा बनाया जाए, और इसीलिए वी केम टू द कंक्लूजन कि पूरी गाड़ी को ही पेंट कर देना चाहिए। अब ऑब्वियसली कुछ सालों के यूज के बाद गाड़ी पर छोटे मोटे डेंट्स जो है वो आ ही जाते हैं, एंड आई थिंक एक नई गाड़ी को खरीदने से बेटर है कि हम अपनी पुरानी गाड़ी पर थोड़ा खर्चा करें और वापस से उसको शोरूम कंडीशन में ले आए। अब क्योंकि ऐसे रिस्टोरेशन जॉब एक गाड़ी के
लाइफ में बार बार नहीं किए जाते हैं, तो हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि गाड़ी का कलर चेंज करना भी हम ऑप्शन में रख सकते हैं। बट क्योंकि गाड़ी कर्नाटका की है और वहां पर कलर चेंजिंग की परमिशन नहीं है, तो हम लोगों ने क्लाइंट को रिकमेंड किया कि आप ब्लू ही शेड में कुछ डिफरेंट कलर भी करा सकते हैं, जो कि आपकी गाड़ी को एक नया लुक भी दे देगा और एक यूनिकनेस भी प्रोवाइड करेगा। तो हमने उस टाइम डिसाइड किया कि ब्लू के शेड में ही हम कुछ दूसरा यूनिक कलर करते हैं। कोइंसिडेंटली हमारे वर्कशॉप में उस टाइम पर एक स्कोडा कोडियाक थी जो कि लावा ब्लू कलर में थी, और क्लाइंट को वो लावा ब्लू कलर काफी अच्छा लगा, एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि इस गाड़ी पर लावा ब्लू हमें करना चाहिए। हमने पहले भी एक डिजायर पे ये कलर किया था, तो उनको वो वीडियो भी हमने दिखाया एंड ही अग्रीड टू द फैक्ट कि इस गाड़ी पर ये कलर अच्छा लगेगा। आप अगर किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर या शोरूम में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि शोरूम्स में वही कलर हमें देखने को मिलते हैं जो OEM मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ी पर निकालते हैं। क्योंकि हमारी वर्कशॉप एक मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है, हम किसी भी ब्रांड का कोई भी कलर किसी भी गाड़ी पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये हमारी एक USP भी रही है। आप भी अगर अपनी गाड़ी पर कोई यूनिक कलर कराना चाहते हैं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म अप्लाई कराना चाहते हैं या सिरेमिक कोटिंग कराना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उस तरीके से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा शोरूम डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं तो हमारा वर्कशॉप वडगांव शेरी पुणे में है। अब क्योंकि इस गाड़ी का ओरिजिनल मॉडल VDI है, तो इस गाड़ी में जो हेडलैम्प्स आते हैं वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड है, मतलब ना ही इसमें प्रोजेक्टर आते हैं और ना ही इसमें DRL आते हैं। क्लाइंट ने हमें बताया कि जब वो गाड़ी रात को चलाते हैं तो उसमें हेडलाइट का थ्रो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें रेकमेंड किया कि आप गाड़ी का हेडलाइट भी अपग्रेड करा सकते हैं। हमने उन्हें आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स के काफी ऑप्शन दिखाए और एंड में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिजाइन चूज किया। इस पर्टिकुलर हेडलाइट में DRL के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्री फिटेड आते हैं और ये कपलर टू कपलर फिटिंग है, जिसकी वजह से कोई ऑल्टरेशन भी नहीं करना पड़ता। अब इस प्रोजेक्टर परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उन्हें ये भी रेकमेंड किया कि आप हेडलाइट एंड फॉग लाइट दोनों में ही LED बल्ब भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हेडलाइट का थ्रो काफी बेटर हो जाएगा। We'll be right back.
कार भी अब पूरे तरीके से रेडी हो चुकी है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इस गाड़ी के कुछ फाइनल शॉट्स, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितना मजा हमें इस गाड़ी को बनाने में आया है उतना ही मजा आप लोग को ये वीडियो देखने में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। मेरा नाम है परीक्षित एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोटोमोटिव। इसी तरीके का और अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं और हमारे बिहाइंड द सीन बैंटर भी देखना चाहते हैं तो हमारा एक ब्रोटोमोटिव ब्लॉग्स करके भी चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।